लाइक में वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक नई रेसिपी जो कि व्रत फास्ट में खाने के लिए। तो वैसे मंडे को मेरा फास्ट होता है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं मंडे में खाने के लिए क्या चीजें बनाती हूँ, उसमें क्या क्या चीजें यूज करती हूँ और हम व्रत में क्या क्या चीजें खा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। ये रहा टमाटर जो कि मैंने बारीकी से काट लिया हुआ है, मैंने 2 टमाटर लिए थे। और ये रही मूंगफली जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें। और ये रही धनिया की पत्ती हरी जो मैंने बारीक काट लिया हुआ है। और ये रही शिमला मिर्च, तो इसे भी हम व्रत में खाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और ये रही कुछ हरी मिर्च, तो मैंने इतनी हरी मिर्च ली हुई है क्योंकि इस टाइम में मिर्च तीखी नहीं होती। और मैंने कुछ इस तरीके से इसे बीच से फाड़ लिया है। और ये रही आलू जो कि मैंने उबाल के, और इसमें मैंने उबालते टाइम थोड़ा सा नमक डाला हुआ था, सेंधा नमक, और उबालने के बाद छील के उसे कुछ इस साइज में काट लिया हुआ है। और मैंने लिया है देसी घी 1 चम्मच जो कि गाय का घी है, आप कोई सा भी देसी घी यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मार्केट का घी यूज करते हैं या फिर आप मूंगफली का तेल यूज करते हैं व्रत में तो आप कर सकते हैं। गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को रख देंगे गरम होने के लिए। तो जब तक कढ़ाई गरम हो रही है हम थोड़े से मेथी के दाने साफ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इतने मेथी के दाने लिए हुए हैं और मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। तो कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें हम डालेंगे घी। घी बस अच्छे से पिघल जाए और हमें ज्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट खत्म हो जाता है। अब इसमें डालेंगे ये मेथी के दाने, हल्का सा चला देंगे और गैस को स्लो कर देंगे। तो मेथी पक गई है, अब इसमें डालेंगे हम ये हरी मिर्च जो मैंने बीच से फाड़ा हुआ था। अब हम इसमें डालेंगे ये मूंगफली, और हल्का हल्का चलाते रहेंगे, ज्यादा पकाना नहीं क्योंकि मूंगफली थोड़ी कच्ची होती है तो अच्छा टेस्ट आता है, अगर जल जाएगी तो टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आता, बदबू भले आती है। तो मूंगफली काफी पक गई है, ज्यादा नहीं पकाना। अब इसमें डाल देंगे हम ये जो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, गैस को थोड़ा बढ़ा देंगे। डाल देते हैं हल्का सा शिमला नमक ताकि ये शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। तो यहाँ हम डाल रहे हैं इतना शिमला नमक, थोड़ा सा ही,
बाकी का हम फिर डालेंगे, अभी थोड़ा सा ही डालेंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप चाहे तो ढक भी सकते हैं, लेकिन हम इसे ढकेंगे नहीं ताकि इसका जो पानी है अच्छे से खत्म हो जाए, गल जाए। तो ये देखिए ये काफी पक चुका है और पानी भी इसका सूख गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। हम अभी डाल देते हैं थोड़ी सी पिसी काली मिर्च। तो हम काली मिर्च इतनी डाल रहे हैं। ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती बचा लेंगे लास्ट में डेकोरेट करने के लिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक मिनट चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू जो कि हमने पहले से उबाल के रखी हुई है। ये देखिए आलू हम डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम डाल देंगे इसमें बाकी का बचा हुआ नमक, दो चम्मच और। इसे ऐसे ही रहने देंगे और गैस को फुल कर देंगे ताकि इसमें जो पानी है वो जल जाए, सूख जाए। ये रेडी है सर्व करने के लिए। हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए वाओ कितना गर्मा गर्म है। इसमें कुछ खास कलर नहीं है क्योंकि हम इसमें मसाले और हल्दी तो यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे व्हाइट व्हाइट ही है। हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती थोड़ी कच्ची कच्ची होती है तो अच्छा लगता है खाने में। और ये फाइनली रेडी है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप व्रत में इसे बेझिझक बना सकते हैं। ये देखिए आप जाते जाते हमें कमेंट में जरूर बता के जाइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।